भगवान का एक नाम है पतित पावन। बस ये विश्वास है कि आप हम जैसे पतितों को पावन जरूर करेंगे। एक जगाई मधाई नाम के पापी थे, जिन पर जो बहुत बड़े पापी थे, चोरी करना, लूटना, झूठ बोलना, मांस खाना, शराब पीना, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन जगाई और मधाई ने ना किया हो। एक दिन एक संत जी की दृष्टि पड़ी, रोने लगे, हे प्रभु, क्या इन पापियों पर कृपा नहीं करोगे? किसी ने कहा, ये तो पापी हैं, बिगड़े हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उन पर कृपा करते हैं। संत जी रूठ गए, ना भगवान, यदि आप भक्तों पर ही कृपा करेंगे तो फिर आपका पतित पावन नाम सार्थक कैसे होगा? तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों पर कृपा की और उन्हें स्वीकार किया और अपने स्पर्श मात्र से, केवल छू करके, केवल स्पर्श मात्र से, और उनके सारे पापों को हर लिया और उन्हें इतना पवित्र बना दिया कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। भगवान सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। भगवान का एक बार हो जाना कठिन है भक्तों, इसलिए भगवान से बस ये कहा करो कि हे प्रभु, हम आपके हो गए, और सच्चे मन से हो जाओ भगवान के। जगत पर विश्वास रखना छोड़ दो। बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि संसार पर, जगत पर विश्वास नहीं, जगन्नाथ पर विश्वास करो। जगत की ना सुनो, जगन्नाथ की सुनो। अपने मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं वो मैं ठीक नहीं कर सकता, वो मेरे से मिटेंगी नहीं, आप मिटाएंगे तो मिटेगी, आप कृपा करेंगे तो कृपा होगी, वरना मुझ में कोई ताकत नहीं है।